그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹 देख लो सारे वो क्या हो गया खाली होके बैठ गए हमने जितना हम जुली है ना वैसे वो व्लॉग बनाना चाहिए था मैं तो मैं कह रही थी नोट छोटी ले आया करो किस लिए ली हुई है बिस्ती करी आपने हाँ ये कहते हैं मुझे ना दिखाओ बुकिंग इज कंफर्म्ड बुकिंग इज कंफर्म्ड गाइस वेलकम बैक तो आज फाइनली हमने क्या किया आज हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए घर जाने के लिए ना इसने घर बताया ना मैंने घर बताया और क्या होने वाला है क्या डेट है आज ब्रो आज है आज गाइस 8th ऑफ दिसंबर है और हम लोग जो रहे हैं 30th आज मैं हिली हुई हूँ गाइस तो हम लोग जा रहे हैं 20 क्यों हंसी है याद आ गया पानी बताओ इनको सारा आज मेरे साथ क्या हुआ गाइस सुनो मेरी स्टोरी आज की जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना तो वो हमें जो सालन होता है ना वो एक चीज पे सर्व करते हैं जिसमें यूजुअली कैंडल रखते हैं अंदर ताकि वो गर्म रहे चूल्हे की तरह का होता है छोटा सा आज पानी इसने कप में डालने के बजाय उसमें डाल के पूरा भरा उसके साइड पे सुराख सारा पानी बाहर इस तरह देखो ना मैं कहीं पानी का क्या आज ना बहन थोड़ी सिटी आई किसकी हुई है तो गाइस अब हम जा रहे हैं 20th ऑफ जनवरी को घर और घर वालों को कुछ नहीं पता कोई सीन शीन नहीं पता अब स्टिल हमारे पास 1 month रह गया तो वी आर वेरी एक्साइटेड तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा इस व्लॉग में हमारी शॉपिंग मिलेगी हमारा सब कुछ मिलेगा मैं और नम्रा बहुत फन करने वाले हैं तो आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना है नम्रा को इंस्टा पे फॉलो कर लो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लो ठीक है और हमारे पेपर्स हैं नेक्स्ट तो गाइस ये 8th ऑफ दिसंबर का आप लोग जरा मौसम शोसम चेक कर लो बहुत ही पारू वाला लग रहा है यहाँ पे मेरा बादशाह बंदा बैठा है इसको देखो इसके अंदर कोई 11 फिल्म्स हैं और जैसे जैसे फिर ये मूव करेगा तो ये साथ में मूव करेंगी दबे दबे पाँव से ताए होले होले जिंदगी गाइस गेस व्हाट मैं नहा के निकली हूँ तो बाहर स्नो पड़ रही है गाइस हम इतने स्नो में क्यों लगाए हैं इधर देखो तो गाइस हम इतने स्नो में क्यों आए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं घर जैसे कि आप लोग को पहले ही पता है बट घर वालों को बिल्कुल नहीं पता उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम घर जा रहे हैं तो अभी हमारे घर जाने में जस्ट 2 weeks रह गए हैं तो हमें थोड़ी सी ज्यादा शॉपिंग वोपिंग करनी है हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी तो आज हम जरा क्यूट वाला स्टफ लेने जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं 250 तो 250 से जरा हम क्यूट क्यूट शूट शूट म्यूट म्यूट स्टफ उठाएंगे और गाइस मैं आपको दिखाऊं तो इधर देखो वाओ टू मच स्नो गाइस इट्स सो प्रीटी छोटी बच्ची हो क्या हमें जो भी कोरियन यहाँ पे देख रहा है ना मतलब स्पेशली आजुशीज वो आजुशीज क्या होता है एस क्या होता है हर चीज के साथ लगा दो ना वॉटर्स आजुशीज तो जो भी हमें देख रहा है ना वो इतना खुश हो रहा है क्योंकि हम ना स्नो पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि शायद ये हमारी पहली स्नो है बट इस तरह शायद मैं स्नो में मतलब इतने ज़्यादा वाला इंजॉय पहली दफ़ा कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं सो के उठती हूँ तो इतनी इतनी बर्फ जम गई होती है तो ये वाली स्नो सबसे अच्छी है सबसे अच्छी होती है साले को बम से उड़ा दूंगा फिसलने वाली स्टार्ट हो जाती है उसमें मजा नहीं आता yes. उसमें सिर्फ स्लिप होता है बंदा yes. और कीचड़ होता है yes. हमेशा की तरह हमें छेतियां पड़ गई हैं क्योंकि हमारी ट्रेन आ गई है ये रहा हमारा गेट खुल जा सीम सीम फाइनली हम म्योंगडोंग में पहुंच गए फिर तो बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही है ओ माय गॉड बट हमें जल्दी जल्दी दाइसो जाना है नम्रा के हाथ स्टील लाल है और मेरे पीले हैं गाइस साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे शिट 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 ओ माय गॉड गाइस हम 12th फ्लोर से स्टार्ट करते हैं ये रही हमारी ट्रॉली सारी फैमिलीज आई हुई है सारा कैंपिंग का सामान है
ये वाला जो है ना, ये आप अपने गले में अगर पहनोगे ना, आपका गला बड़ा गर्मदार रहेगा। ये कानों में भी डालने के लिए है, कमर के लिए है, ले लो। 100 रुपए नहीं तो। हाँ, गुड। बोरियों में आपको हर चीज मिल जाएगी। अब आपके कंधे दुख रहे हैं तो आप ये लगा सकते हो कंधों पे। इस फ्लोर से तो मैंने कुछ नहीं लिया है, इसमें भी मैंने अपना बैग ही रखा हुआ है ताकि जो मेरे से मेरे अपने कंधों पे नहीं उठाया जा रहा। आप अपने जूतों को ऐसे ऊपर नीचे करके रख सकते हो। वैसे पूछे मतलब हम लोग कभी सोचे कि इसकी क्या जरूरत हो सकती है, मतलब ये सीट बेल्ट पे लगाने के लिए ताकि आपके कंधों पे कुछ हो ना, तो इन्होंने ये रखा हुआ है। ये पार्ट भी मेरा बहुत फेवरेट है। ये सारी कैंडल शैंडल्स हैं, डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ से कैंडल्स मिल सकती है। तो गाइज मुझे यहाँ से ना ये कैंडल्स पसंद आ गए हैं कि जो मैं घर लेके जा सकती हूँ, तो हम यहाँ से ये ले रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही हैं, बट अगर मैं इसको ना अपने साथ लेके नहीं जा सकती, ये टूट जाएंगी और ये इजीली कैरी हो जाएंगी। और सबसे अच्छी स्मेल भी इनकी है, रोज रोज वाली। पता है यहाँ पे क्यूट क्यूट से उसके कवर भी है, क्या उसको बोलते हैं, चेयर कवर भी है। वाओ, सो क्यूट। बहन आपकी दो ये ले रही है, ये जो है ना ये डेंटल ब्रश है। डाइसो आके ना बंदे का दिल करता है सारा कुछ ही डाइसो से उठा ले। तो गाइस यहाँ पे कूल कूल सी प्लेट्स भी पड़ी हुई हैं। अभी आपको डिफरेंट टाइप के, हर वैरायटी के, हर तरह का माल शाल मिल जाएगा। और क्या इसको बोलते हैं, हर तरह के आपको स्नैक्स मिलेंगे इस पोर्शन में। ये मुझे क्यूट सी फिश मिली है एक। यहाँ पे जो भांजा है ना वो पागल है, बिल्कुल टोटली पागल है। और आप लोगों को मैंने लैंप भी दिखाया था ना, जो मैंने उसके लिए फिशेस वाला मंगवाया, तो ये सी के लिए चला गया भाई। ओह माय गॉड, बहुत सारे स्टफ टॉय पड़े हुए हैं और क्यूट क्यूट से स्टफ टॉय पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी बहन को फिश नजर आ गई है, हम ये भी सी के लिए ले सकते हैं गाइस। ये भी इधर जाएगी। यहाँ पे क्यूट क्यूट सी डॉल्स पड़ी हुई, इसमें तो सारा किचन बॉक्स है, कितना क्यूट है। हाँ, हाँ, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप ये करेक्शन टेप के साथ उसको ठीक कर सकते हो। मैं इनमें से भी कुछ लेने वाली हूँ घर लेके जाने के लिए, क्योंकि मेरे फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते भी हैं। गाइस हम ये भी ले रहे हैं मेरे भांजे सांजे के लिए। यार तुम लोगों ने कुछ यही काम करी जाना है। शीशी तुम तुम अम्मा लगी है साढ़े से, हर टाइम सानू डांटती रहती है। गाइस मैं खुद को भी तो दिखाऊं, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है। यार नम्रा तुम मेरे साथ बहुत रेसिज्म करती हो। नॉट रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन करती हो मेरे साथ। बात तो सही है। सेंगली चूका हम निदा। आमना वाला रह गया दोबारा को। थैंक यू सो मच। आमना आप ही कहना, आप ही कह दो। नहीं, मैं सोच रहा हूं पूरा नाम क्या था। ब्रो की बर्थडे हो गई है, अब हमने जरा कर लिया है केक शेक, अब खा लेते हैं थोड़ा बहुत। मैं उदास क्यों हूं, तुम उदास क्यों बैठे हो सर्दियों की शामों में? डेविड, नो डेविड, इट्स सो कोल्ड, डोंट डू दैट, यू वांट टू ईट? मैं आ रही Later. Hello, and welcome back to पता नहीं कौन से वाला दिन। तो गाइज अभी आपकी बहन बैठी हुई एप्पल स्टोर में, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि नम्रा ने कुछ खरीदना था यहाँ पे, और मैं उसके इंतजार में हूँ और वो एक्सप्लोर पे है। अभी जस्ट घर जाने में ना 1 वीक रह गया, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, तो मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे ज़्यादा वाला रोना आ रहा है और सारा कुछ आ रहा है। तो मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती कि मतलब मैं रोऊं, और मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं रोना चाहती, क्योंकि फिर मुझे लगेगा ना कि मतलब मैंने कोरिया में यार इससे भी औखा औखा टाइम गुजार रहा है, बट उसमें नहीं मैं रोई, तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती। अब तो हम घर जा रहे हैं, बस थोड़े से दिन रह गए हैं। आ रही है अपना डिब्बा लेके। आ गई है आप, कहाँ गई थी मुझे छोड़ के? जो भी दिन है, आज मैंने लैब को टाटा बाय बाय बोल दिया है। आज हमारा आखिरी दिन था और बहन जा रही है घर। कसम से मेरा दिल करा चीख चीख के पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं घर जा रही हूँ, बट इट्स ओके। मेरी पूरी लैब आज कह रही थी कि तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम घर जा रही हो। फिर मैंने अपने प्रोफेसर को भी बाय बाय टाटा टाटा बोला, और मेरे प्रोफेसर ने फिर मम्मा पापा के लिए भी मुझे सामान दिया, मतलब इतना प्यारे गिफ्ट भेजे हैं मम्मा पापा के लिए, वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। शर्म आ रही है, ऐसे मैं शर्माती शर्मूती नहीं ना, मैंने बनती बड़ा आदमी। गाइस शॉपिंग वॉपिंग बहन ने सारी कर लिया, मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जब मैं शॉपिंग करने जाती थी ना लैब के बाद, और ऐसे मैं मतलब निकलो तो मैं बहुत थक जाती थी, तो व्लॉगिंग अगर मैं उसके बीच में करती तो फिर मेरी टाटा तो मेरी टाइम फिश हो जाती। थोड़ा बहुत सामान रह गया बस, तो जो मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग रहेगी ना, यकीन मालूम मैंने तीसरी दफ़ा ये फिक्रा बोला है, तो वो शॉपिंग हम करने वाले हैं कल। तब तक थोड़ा सा इंतजार करो, पहन आपको थोड़े से वक्फे में मिलती है। ओके, तो गाय
गाइस मुझे नींद नहीं आ रही सारी और मुझे इतनी ज्यादा वाली खुशी हो रही है गाइस। तो 5 बजे हैं तो लेट्स गो। पूरा है 0.2 किधर डालूं अब।갑자기 내게 나타나잖아 난 아무 말도 할 수가 없었지 전...